प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव आ रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें एक बात कहा टूर में हमें मिल चुकी है सुनने को, तो हो सकता है अभी सकारात्मक रिजल्ट हो जाए कि एक ही वोटर लिस्ट से विधानसभा और राज्यसभा सारे चुनाव होने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, है ना। तो क्यों ना हम इस वोटर लिस्ट पर ही फोकस कर लें, कोई विशेष काम है क्या? शनिवार और इतवार के लिए बूथ विशेष लग रहे हैं, शनिवार इतवार के लिए बूथ विशेष लग रहे हैं, दो घंटे अगर समय निकालकर हम अपने ब्यूरो साहिबान से ये कह दें कि भाई हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम में, हमारे मोहल्ले में या हमारे परिवार में कोई ना कोई वोटर रहना जाए, इतना कह सकते हैं, तो निश्चित हमारे लोगों के द्वारा कही बात का ब्यूरो साहिबान पर बहुत ही असर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो बस इतनी सी बात है। बूथ स्पेशल अभियान चल रहे हैं, उन स्पेशल दिवसों में हम लोगों को कितना करना है कि हमें अपने अपने और दूसरों लोगों का जो 18 साल या 18 से ऊपर है और या जो जिनकी शादियां होकर आई हैं उनका वोट यहाँ पर ट्रांसफर कराना है, स्थानांतरण कराना है, कटवाना नहीं है, नया नहीं बनवाना है, इसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करवाना है। वो एक फार्म नंबर 8 आता है, उससे वो वोट हुए मायके वाला ससुराल में आ जाएगा, सीधी सी बात है, मायके वाला वोट जो है ससुराल में आ जाएगा 8 नंबर फार्म। और ऐसे ही 6 नंबर वो फार्म है जिससे हम लोगों के वोट बढ़ते हैं, नए वोट बढ़ने का काम किया जाता है 6 नंबर से, 6 नंबर फार्म नंबर 6 उससे हम लोगों के वोट बढ़ाए जाते हैं, नए वोट बनते हैं। 7 नंबर में हम लोगों के वोट जो है रिएक्शन होता है यानी कट जाता है 7 नंबर फार्म से, वो वोट वो करते हैं।